हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, मेरी कोशिश है आप लोगों को अलग अलग तरीके से एजुकेट कराऊं, अलग अलग तरीके से नॉलेज शेयर करूँ, खास करके मेडिकल साइंस की, हेल्थ साइंस की, जिससे आप लोग सेहतमंद भी रहें और आगे चल के बीमार कैसे नहीं होगे उसका प्रिकॉशंस ले सको। पहली बात है, जो इंसान हमेशा योगा एक्सरसाइज वगैरह करता रहेगा, जो इंसान अपना काम काज प्रॉपरली करता रहेगा, टाइम मेंटेन करता रहेगा खाने पीने में, उसको दोस्तों बीमारी कम होगी, नंबर एक। नंबर दो है, जो इंसान अपने पे कंसंट्रेट करने के साथ साथ अपने परिवार और सोसाइटी के लिए थोड़ा सा समय देता रहेगा, जिसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा हो और नेगेटिविटी कम हो, यानी वो मेडिटेशन भी करते रहो, पूजा प्रार्थना करते रहो और अपना एक ध्यान हमेशा लगाते रहो, जिससे कि आपका तन मन जो है वो सारा शांत रहे। जितना शांत रहेगा उतना दोस्तों बीमारी से बचोगे। खास करके देखा गया है आज के ज़माने में पाइल्स की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, पाइल्स की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। अक्सर के लोग व्हाट्सअप करते हैं कि हमें पाइल्स की शिकायत है, ब्लीडिंग हो रही है, कोई कह रहा है कि मस्सा बाहर आ रही है, तो अलग अलग तरीके से समस्या को इंसान झेल रहा है और फिर सर्जरी होती है और फिर बार बार सर्जरी कराना पड़ता है, यानी एक बार अगर सर्जरी हो गई तो बार बार उसको सर्जरी फेस करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जो लोग परेशान हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, इसके लिए मैंने कई वीडियोज डाला हूँ। एक वीडियो बीच में मैंने आप लोग के लिए डाला हुआ था, जो एक आंटी शेयर कर रही थी एक पत्ते के बारे में। उसके बाद आप लोग मुझे कई मैसेज भी डाले और कमेंट बॉक्स में भी डाले, सर ये नागदोन जो पत्ता है वो क्या होती है, इससे वाकई दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसको जो आंटी ने शेयर किए थे उनको लाभ हुआ था, उनके प्रयोग से बाकी लोगों को लाभ हुआ था, इसलिए मैं उनका इंटरव्यू मेरे चैनल में शेयर आप लोगों से किया था। तो नागदोन का जो पत्ता है वो आपको दोस्तों हर जगह मिल जाएगी लगभग लगभग। जो सो के लिए बाड़ाबंदी करते हैं अपना लॉन वगैरह, वहाँ पे जो लगाते हैं पौधा, दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो पत्ता जब आप इसको तोड़ें तो इसमें ना एक वाइट कलर का यानी सफ़ेद कलर का दूध निकलता है, वो बहुत ही जहरीला होता है। तो पूरी वो दूध को निकलने दें, पत्ते को ऐसे उठा के रखें जिससे कि नीचे सारा दूध निकल जाए। आप अगर छोटे पत्ते का इस्तेमाल करनी है तो 3 छोटे पत्ते का इस्तेमाल करिए, अगर पत्ता बहुत बड़ा है तो 1 पत्ते से भी काम बन जाएगी। सुबह सुबह आपको खाली पेट इसका रस जो है कम से कम आपको 3-4 ग्राम या 5 ग्राम के आसपास आपको लेना है, यानी एक बड़ा पत्ता या 2 बड़े पत्ते से काम चल जाएगी। अगर छोटा पत्ता है तो आप 3 या 4 पत्ते ले सकते हो। दूध को अच्छे से आप निकाल लियो, जैसे ना आपके शरीर में कहीं गिरे ना आपके आँखों में, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चे जैसे वहाँ तक ना पहुँचे, वो भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। चबा के अगर इसको धो लेना अच्छे से, फिर चबा के खा लेना। चबा के अगर नहीं खा पाते हो तो फिर इसको थोड़ा से कूट लीजिएगा, उसमें 2 काली मिर्च मिला लीजिए और फिर उसको खा लीजिए। अगर सीधा खा सकते हो धो लो पत्ते को, 1 या 2 पत्ते, और उसको चबा के खाओ 2 काली मिर्च के साथ। 3 या 4 दिन अगर ऐसे करते हो तो आपका बवासीर का जो समस्या है वो ठीक हो जाएगा, ब्लीडिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप देखोगे आपको समस्या बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। इसके साथ साथ आपको खट्टा चीज़ बिल्कुल बंद करनी है, बासी चीज़ नहीं खानी है, मसालादार भोजन दोस्तों नहीं खानी है। सब बात ऑलरेडी मैं कई वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। इसके साथ साथ और एक प्रयोग बता देता हूँ, दारू हल्दी का जड़ जो होता है उसको आपको इस्तेमाल करना है। कहीं भी आप दुकान में मांगिएगा दारू हल्दी, मांगने से वो दे देंगे। 5 ग्राम दारू हल्दी को आपको इस्तेमाल करनी है, उसको आप अच्छे से कूट लें, कूट लेके फिर उसको पानी में उबालें, कम से कम आप 1/2 लीटर पानी में उबालें। जब 1 पाव पानी रह जाए उसको आप सुबह सुबह खाली पेट लें। ऐसा अगर आपने हफ्ता 10 दिन कर लेते हो तो आपकी समस्या दोस्तों ठीक हो जाएगी।
इसके साथ साथ मैं बाकी वीडियो में भी शेयर किया हूँ, फिटकरी का पानी कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे आपको हल्दी वाला पानी इस्तेमाल करनी है, तो ये सारी वीडियोज़ को भी आप ढूंढिए डॉक्टर दरवेश बवासीर वीडियो के नाम से, डॉक्टर दरवेश फाइल्स के वीडियो के नाम से यूट्यूब में आपको दिख जाएगा। आप इसको पूरा फॉलो करें। बाकी मैं मेरी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड, इसमें सारा चीज़ें ढंग से डिस्क्राइब किया हूँ। इसके साथ साथ 51 बीमारी का डिजिटल जो 4 DVD के माध्यम से मैं अवेलेबल करा दिया हूँ ऑनलाइन अमेजन पे, जिन्हें पेन ड्राइव चाहिए वो यहाँ से भी ले सकते। लगभग 15 घंटे का ये पूरा ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, और जिन्हें एक्यूप्रेशर सीखना है उनके लिए भी हमने लगभग 15 घंटे का 4 DVD अवेलेबल करा दिए हैं, जिसमें आपको 4 DVD के साथ एक किताब भी दोस्तों उसमें फ्री रहती है। तो आप इसको ऑनलाइन अमेजन पे तत्काल सर्च करें और वहां से मंगा के एक्यूप्रेशर सीखना चाहें सीखें, और अगर अपना घर में इलाज भी अगर करना चाहते हो 51 बीमारी का सीधे देख के आप अपने घर में इलाज कर सकते हो, किताब आज रेफरल भी इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप दोस्तों ध्यान दें कि आप बहुत ज़्यादा दौड़ भाग इस समय ना करें, क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह जब ज़्यादा होती है तो आदमी वीक हो जाता है। तो अपना पूरा ख्याल रखें, ध्यान रखें, और मसालेदार भोजन से ज़रूर बचें। अगर आप सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी ये सब चीज़ें ले रहे हो, इसको तुरंत स्टॉप करिए। शराब ले रहे हो तो बिल्कुल छोड़नी है। आप एकदम उबला हुआ खाना कुछ दिनों तक खाओ, आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आप नागदौन के बारे में जो मैंने बताया उस पत्ते का इस्तेमाल करो, आपको दोस्तों लाभ होना तय है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।